आज हमारे साथ बहुत बड़ा जो है वो मसला बन चुका है। सारे मेहमान घर में हैं, लेकिन ऐसा मसला हमारे साथ ज़िंदगी में पहली बार जो है वो बना है। तो सबा, ये वाला मसला बस अभी अल्लाह पर छोड़ते हैं, अल्लाह पाक ही सब कुछ करने वाली ज़ात है। माशाल्लाह, कोई तो ये किस किस के लिए लेके आई? मैंने कहा जो बैठा होगा पीता रहेगा। वाह, कमाल कर दिया आपने। ये क्या, ये हमारा वो है, आयल है, ये घी है जो आप पीना चाह रही हैं। हम तो घी सब, मैंने कहा ना कोई भूल जाएगा, वो घी पीना चाह रही है, गिलास में डालने वाली थी अभी। वाह जी वाह, इतनी गोल गोल बेहतरीन रोटी अम्मी के लिए जो पका रही हो। नहीं, सब के लिए, तो अम्मी के लिए नहीं, सब के लिए। मेरे लिए तो वो जहाज बना देती थी। अम्मी अबू जो है ना वो हसन जानी को ना खेड़ लगा रहे हैं, नीचे बैठे हैं, देखें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी, खैरियत से हैं? जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, बिल्कुल हमारी पूरी फैमिली की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी नाइट रूटीन हमारी शेयर हो रही है माशाल्लाह की। नाइट रूटीन में हम क्या पका रहे हैं, कद्दू पका रहे हैं, करेले पका रहे हैं, भिंडी, जो चीज भी पका रहे हैं सब शेयर करेंगे, क्योंकि सब जो है वो गर्म इलाके से आए हैं, ठंडी सब्जियां खाना चाहते हैं। हम तो हैं गर्म इलाके, ठंडे इलाके में, इसलिए हम गर्म चीजें खाते हैं। तो सबसे पहले इससे पूछेंगे जी, अस्सलाम वालेकुम। आप जो हैं वो ठंडी सब्जी खाने की शौकीन हो? हाँ जी, मैं ठंडी सब्जी। सही है, तो क्या होना चाहिए सब्जी में? हम साग पूरी भी खाते हैं और कद्दू शरीफ भी खाते हैं। बेटा रोना नहीं, चुप, बिल्कुल चुप कर जाओ। अच्छा, सब्जी तो ये होती है ना। सही, भिंडी भी गर्म होती है, भिंडी भी नहीं खाई जाती। और बेबो जानी बच्चे इधर सोए हुए हैं, काफी बच्चे ना आज जो है ना इधर मौजूद हैं। ये देखें हमारे अपने भी, एस्क्रो उधर रख दो बेटा अगर देने आई हो तो, ये साडा आपना है। और इधर जो है सारे बैठे हुए हैं, इधर माहौल बना हुआ है, और इधर जो है माशाल्लाह सब्जियां। मुसर्रत आपी भी बैठी है माशाल्लाह, सलाम हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, सलाम जी। कैसी हैं तबीयत? से ठीक है। और सब्जी जो है हमारी ये देखे माशाल्लाह काट चुकी है बिल्कुल जबरदस्त, साथ में सब्ज मिर्च। और ये बैठी है, मतलब इन दोनों को देखें, ये आपस में बहने हैं, ये सबा बड़ी है और ऐशा जो है वो छोटी है। सब कहते हैं माशाल्लाह सेम शक्ल है, सेम चेहरे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं मानता, तो क्योंकि इसने ना ये मोटी हो गई है थोड़ी, तो ये जो है अभी कमज़ोर है बेचारी। इंशाल्लाह यूट्यूब चल गया तो ये भी मोटी हो जाएगी। क्योंकि खाना पीना जब आज़ादी का होगा फिर बंदा टेंशन नहीं होती, ऐसे फिर हालात का वो हो ना तो बंदा बंदा जब चैनल पे काम करता है ना तो एंजॉय करके काम करता है। पता था मैंने व्लॉग बना, खुशी खुशी काम करता है, खुशी खुशी व्लॉग को देख बंदा सेहतमंद हो जाता है, वरना तो औरत को काम करे तो गुस्सा चढ़ा रहता है कि हल्ला का आजाम में। हाँ, जैसे कि सबा को, सबा अस्सलाम वालेकुम कर दो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सब बहन भाइयों की दुआ है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ऐसे ही सलामत रहो। तो चले जी, अभी हमारी ये रूटीन आपके साथ शेयर हो गई। ये सब हमारे रूम में इतने क्यों बैठे हैं? क्योंकि माशाल्लाह ये है वो चीज जो सबको इकट्ठा करती है। पहले लोग होते थे इस तरह जो सबकी सुलह करवाते थे, इकट्ठे बिठाते थे, ऐसे प्यार मोहब्बत होती थी, लेकिन आजकल वो बद्दे खत्म हो गए और ये वाली चीज आजकल बंदों को इकट्ठा करती है। अब किसी को कहो ना लाड़ भी पड़ो ना, वो उधर से उठ के इधर बैठ जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। लड़ेंगे कैसे, ये तो ठंडा कर दिया ना। हाँ, सबको ठंडा किया हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो है हम बाहर निकल के आ चुके हैं और माशाल्लाह सबा जो है वो चूल्हा शुल्ला फिट कर रही है। और अभी जो है ना शाम को देखें, पंखी जो है ना वो वापस जा रहे हैं, पंखी परिंदे अपना रोजगार तलाश करके खा पी के वापस जा रहे हैं। और मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह से, मगरिब का टाइम है, जैसे कि अबू जान नमाज के लिए वजू बना रहे हैं, और अभी जो है ना चूल्हा फिट करके इंशाल्लाह सब्जी पकाना हम शुरू करते हैं। और उसके बाद मज़े की बात, मुसर्रत आपी के लिए हमने चाय भी अभी बनानी है, उसको चाय पेश करेंगे, क्योंकि वो चाय जो है एक टाइम ज़रूर पीती होती है, वरना उनके सर में दर्द हो जाता है। तो चले, अभी बर्तन वगैरह धो रही है, अल्लाह खैर करे, उसके बाद फिर पकाना शुरू कर देंगे। इनका ना औरतों का एक तो मुंह ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कि मुंह है कहाँ पे, इतनी बड़ी औरत होती है और मुंह इतना सा होता है।
जी। और जब ये ऐनक पहन ले, वाह वाह सुभान अल्लाह क्या ही बात है। अच्छा मैंने काफी ऐसी औरतें भी देखी हैं जो खुद छोटी और उनका मुंह माशाल्लाह, बस अल्लाह पाक के बनाने हैं जी, जैसा भी बनाया सुभान अल्लाह कितनी प्यारा बनाया। चलें जी अभी नमाज का टाइम है, अजानें भी हो रही हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह मोहम्मद हसन जानी आ गया। हाँ जी, शहजादे उठ गए हो नींद से, माशाल्लाह हंसता भी है। खुश हो गया ना, रोने नहीं दिया इसको। सदके ये देखें जी, अभी जो है ना एसी का पानी इतना फुल हो गया, थोड़ी देर चलाया ना बाल्टी भर गई, अभी इसको हमने करना है खाली। अकेले से तो नहीं उठाएगा, उठ जाती है अगर बंदा हिम्मत करे तो। नहीं हिम्मत नहीं, वो वीट ही जाती है इसी वजह से। तो मैं भी तो बंदा हूँ, मैं तो वीट खड़ूंगा। हाँ ऐसे सुकून से प्यार से। अच्छा गिलास क्यों भरा, ये वीट रही हो। चलो रखो मैं उठा देता हूँ, बस अब तकड़ी हो गई, अब तकड़ी हो गई, अब सब कहेंगे अहमद आप उठा लेते, आप उसे कह रहे हो। तो जी अब तो कोई मसला नहीं है ना, वजनी काम कर सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, करेगी तो ये इसके लिए सुख होगा, क्योंकि कल को मैं घर में नहीं खड़ा फिर नहीं उठा सकेगी, ये चीज होती है। तो इधर माशाल्लाह जी मुसर्रत आपी जो है वो बैठ चुकी हैं और वो अपनी माशाल्लाह इतनी चाय पियेंगी आप, वो फिर चुस्की चुस्की सबको देंगे ना। नहीं कोई भी नहीं पीता ना, चाय पीते नहीं है। हाँ चलो मैं थोड़ी सी पी लूंगा। हाँ, सभी पी लेंगे थोड़ी थोड़ी। ठीक है बैठिए ना, यहाँ गर्मी फिर अंदर वाले फिर कहेंगे हमें भी थोड़ी सी दे दे। हाँ चलें आप इतना सखी हैं तो फिर सबको पिला देना, क्योंकि दूध तो हमारे पास बहुत है, अभी और मैंने दूध 2 किलो मंगवा लिया है। चलें ठीक हो गया। तो अभी जो है इधर भी माशाल्लाह सालन बनना शुरू हो जाएगा। तीली नहीं लगानी, आग लगानी है आपने। तीली लगाऊंगी जो मेरा काम है, सही है सही है। और माशाल्लाह जी नमाज रूम, और नमाज रूम में अम्मी जान जो है वो अभी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जी माशाल्लाह हसन जानी को रेडी पे जो है चलाया जा रहा है, माशाल्लाह वो सोया हुआ है, और इधर उसकी नानी अम्मा उसके पीछे पीछे दीवानी हुई फिर रही है, दीवानी। वो छोटा बच्चा है ना, रो रहा था। हाँ बच्चा नहीं, आपको ज्यादा प्यारा है। हाँ तो प्यारा था है। मेरा जो बेटा है ना, आपका बेटा है हमारा। और मजे की बात की मेरे ऊपर क्या है ना इतनी सोना। हाँ जब मैं छोटा था कैसे आप उठाती थी मुझे। आपको भी खिलाती थी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है। तो उधर जी सबा जो है इतनी बैटरी से आग निकलवा रही है, खुदा ने इसे बचाया है आज। अगर हाथों पे मुझे उस दिन करंट लगा ना कैसे छाला उभर आया था फौरन ही। वो गर्म हुई पड़ी थी ना चमोटी से। अबे यहाँ पे वेपर वगैरह सारा लगा दिया। जी लगा दिया। अब जी माशाल्लाह हमारी शाम की रूटीन और शाम को ना हमारे घर का कैसा मंजर होता है ये सब आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद अभी थोड़ी देर तक मैं ये लाइट्स जो है ना ये ऑन कर दूंगा, बल्कि अभी कर देता हूँ। सबसे पहले ये वाला और उसके बाद ये वाले, ओ जबरदस्त। और चलें जी अभी सबा जो है वो सालन बनाना शुरू कर देगी, आप ही अपनी चाय बनाएगी और सबको पिलाएगी, अपने हाथ से चाय बनाएगी ना, बड़ी जबरदस्त लगता है, टेस्टी बनाएगी ये। जी बिल्कुल। माशाल्लाह जी प्याज सबसे पहले जी, आज टमाटर ऐड हुए हैं, प्याज नहीं डालने इसमें। प्याज नहीं डालते। अच्छा बिल्कुल नहीं डालती, हम तो डालते होते हैं। मैंने डाले नहीं, इसमें प्याज नहीं डालती है, मीठी पहले ऑलरेडी मीठी होती है फिर मीठी बन जाती है। सही चलें जी। और सबा जो है वो गंद खाली करने गई थी, बाल्टी में जो पड़ा होता है वो वाला गंद। खाली करने ही नहीं गई थी, बाल्टी लेने गई थी। कहाँ से लेने गई थी? अभी लेने गई थी, शहर से लेने गई थी। कितने की मिली है? शहर से नहीं, छत पे। छत पे बाल्टियाँ मिलती हैं। मैं चलें जी अभी मैं 2 बाल्टियाँ लेकर आता हूँ मेरे साथ, चलो मुझे भी ले दो। कितने के लिए? नहीं वो दुकान बंद कर गया है। हमारी छत पे दुकान वाला है। कमाल है। जिसने भी बाल्टियां लेनी है हमारे घर में छत पे आके ले सकता है, सस्ती 200 रुपए की बाल्टी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी ओके हो गया जी। आपको किसने रोका है जी, आटा गूंदो जो मर्जी गूंदो। अभी जी इधर कैमरा साफ कर रहे हैं मौलवी साहब, अपने मोबाइल का लगता है व्लॉग बनाएगा, और ये जो है नाराज होके हमारे घर से जा रही है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जाएं मैं दरवाजा खोल देता हूँ, आ जाएं। चलें बिस्मिल्लाह जाएं। ठीक हो गया? अंदर से कुंडी लगा दूं? जी। नहीं आओगी पक्का? खाला
हाँ सामने जिसका खाला, मतलब कि ये आपस में हम सारे वो मतलब भाई के घर जा रही है। हाँ बिल्कुल, चलें फिर जब आना तो बताना, नहीं तो हम कुंडी पक्का लगा देंगे। ठीक है जी। और वसीम जो है वो दूध लेकर आ चुका है माशाल्लाह, जो ज्यादा होगा वो हमारा होगा बेटा। दोनों दो दो सौ के, मतलब के दोनों के दूध बराबर हैं। परली साइड वाला थोड़ा ज्यादा है, वो वाला रख दो हमारे पास। माशाल्लाह से हमारी घी तूरी जो है वो ऐड हो चुकी है। ये उर्दू में घी तूरी बोलती है ना। अच्छा हाँ जी, आज से हम भी ऐसे बोलेंगे फिर। अच्छा ये घी तूरी होती है, ठीक है हमने मान लिया। तो सबा तो फिर घी क्यों डालते हैं आप? ये बगैर घी के भी आप पका सकते हैं, कभी आप इसको ट्राई करें। जो विलेज के लोग होते हैं जो मतलब, तो ये काम तो मेरा कर दो आज, ये बगैर घी के तो पका। पहले बता देते, मैं बना देती बगैर घी। जब बगैर घी के पकती है तो क्यों मेरी ये बन सकती है बगैर घी के, इसी वजह से घी तूरी बोलते हैं। सबा फिर हम रोज घी तूरी पकाया करेंगे, घी बिल्कुल बंद करते हैं। ओके हाँ जी, कभी किसी और चीज पे मूड हुआ तो इंशाल्लाह इनके घर चले जाएंगे। ठीक है जी, मोस्ट वेलकम। ओके आपका क्या नंबर है जिस पे हम फोन करें? हमारा नंबर? हाँ अभी हम अपना नंबर नहीं खोला था। ये मोबाइल तेरे हाथ में है, नंबर बता दे आप, बहाने ना बना। नहीं मुझे पता नहीं है, मोबाइल आपके सुसर का है तो नमाज पढ़ने जा रहा है इसलिए मैंने उठा लिया। अच्छा अच्छा, मैंने कहा आपका मोबाइल है तो नंबर दे देना मुझे। कभी कभी आपकी बेटी से बिगड़ जाती है, चलो आपसे रब्ता कर लूंगा। हाँ इंशाल्लाह मैं ले लूंगी, बाद में आपको नंबर दूंगी। ठीक हो गया। हाँ जी, हमारा भी नहीं है क्योंकि हमारी बात भी नहीं होती। सही है। हाँ जी। और जी हमने कट्ठे तैयारी करने की कोशिश की, लेकिन माशाल्लाह मौलवी साहब ने पहले वजू बना लिया, अभी मैं वजू बनाता हूँ, फिर चलते हैं नमाज पढ़ने। माशाल्लाह कोई, तो ये किस किस के लिए लेके आई? मैंने कहा जो बैठा होगा पीता रहेगा। वाह कमाल कर दिया आपने, आ गई वो छोटी सिस्टर आ गई ना। हाँ उनका तो भाई डला हुआ है। अच्छा उनको मिल गई। हाँ। अब एक जो है अपने अब्बू जान को दे दो, एक मुझे दे दो। अच्छा। बकाया ले जाओ, अम्मी अब्बू से पूछ लो, वो शायद पिए। ठीक है, बाकी आयशा से उन सब से पूछ लो। तो इसको तो मैं अपने हाथों से चाय पिलाता हूँ जी, ये मेरा फेवरेट है, मेरी जान है, ये मेरी जान है, जहान है, क्या ही बात है। पियोगे ना, आपकी आंखें मैंने देखी ना, फिर मैंने कहा ज्यादा चाय बना दो। पता है क्या, पता है इस आंख में दर्द है आज। खत्म हो जाएगा यार दर्द, वो हवा लगती है इस साइड से, हवा लगती रही होगी। याद करो आप, हाँ बस पे सफर किया है ना। चलें जी, आपने पीनी है ना चाय इधर बैठ के ना, क्योंकि उधर जो है ना बाहर तो गर्मी है ना, आप इधर बैठ के ये ले चाय। हाँ बाहर पियोगी, इधर बैठ के है वैसे चाय, इधर बैठ के पी लो, वो बाहर वाले किसी और को दे देंगे, कोई बात नहीं। चलो सबा एक मैंने अभी एक चाय आप ले जाओ सबा, ठीक है? और ना खाली चाय ले जाओ, ये ट्रे इधर रहने दो। ओके ये होती है जी कंजूसी की इंतहा। हाँ, ये थोक से चाय निकाली जा रही है ताकि। अच्छा आप अभी पी रही हैं? हमने पी भी लिया। हाँ, मैं भी पी रही हूं। कमाल है, मैंने कहा सही सही, आप दोबारा पी रही हैं माशाल्लाह। नहीं पी ले, दोबारा पी ले। अच्छा चाय पिए, फ्रेश हो गया बिल्कुल, और गर्मी भी इतनी नहीं लग रही। वो कहते हैं ना गर्मी को गर्मी मारती है, बिल्कुल जहर को जहर, बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये चाय होती है ना गर्म, तो गर्मी को मार देती है। इतना बना है बस, यही तो मैं आपको कह रही। अब माशाल्लाह इतने सारे मेहमान, और हमारा सालन थोड़ा सा बना है। मैंने आपको कहा कि जब हम चार बंदे घर में, जब हम बनाते हैं 2 किलो घी तूरी लेते हैं और इतनी ही बनती है। असल में आप प्याज नहीं डालती ना, हम डालते हैं। बहुत मीठी बन जाती है ना। अच्छा प्याज से क्या ज्यादा हो जानी थी? हाँ वो ज्यादा नहीं हो जानी थी, ग्रेवी बन जानी थी ना। बाकी भी सारे मसाले डाले लेकिन वो ही नहीं डाला। चले कोई नहीं, ये भी हो जाएगा। हाँ वो तो बहुत अभी तक रखा हुआ है। अभी जी छत पर आए हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे मौसम कैसा है। देखो मेरे बाल कैसे उठ रहे हैं। हाँ जी इतनी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि मौसम जो है ना ये देखें सारा बिल्कुल जो है ना वो हो चुका है, बारिश आने वाली है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत बन गई है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहमत दे जी। तो बिल्कुल हम तो बड़े खुश होते हैं ना। कितनी ठंडी हवा है, एसी से भी बढ़कर है बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह पाक की जो माशाल्लाह नेमते है ना, वो कहते हैं ना आप कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आज ना हम यहाँ पे चटाई बिछा देते हैं, चटाई बिछा के लाइन में तकिए लगा के ना
सो जाते हैं। हाँ। जब बारिश आएगी तो हर कोई अपना तकिया कच्छड़ में लेता और भागे। सही है। आपने ऐसा करना, बच्चे उठा लेने निकलना, आप भी अपना तकिया उठा के भागो और मैं अपना तकिया तेरा और मैं अपना तकिया उठा के ले जाऊंगा, आप बच्चों को तकिया समझ के ले जाना। मैं दोनों को कैसे, एक को। बेबो जानी आप भी आ गए, ठंडी हवा लग रही है। वाह जी वाह, अयूब लग रही है। वाह जी वाह, आपको लग रही है। आज प्यारे बहन भाइयों, अम्मी जान से आपको नहीं मिलवाया क्योंकि अम्मी जान आज बहुत ज्यादा बिजी थी। और माशाल्लाह वो कहते हैं ना, मेरा चांद मुझे आया है नजर। कैसी हो अम्मी जान, दिल कर रहा है? क्या सब बिजी हो, क्या होता है? माशाल्लाह, एक और। हाय हाय माशाल्लाह, वो आप दुकान शुकान चलाती है ना, इसलिए बिजी होती हैं। अभी फिर अम्मी जान आई हैं, फिर माशाल्लाह नहाया, न्यू ड्रेस पहना। और अम्मी जान, बहन भाई कहते हैं कि आपकी अम्मी के ना और सूट नहीं है, वो एक ही पहन के रखती है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? मैं थोड़े सूट पाते हूँ। अब वो कहते हैं एक सूट ही पहनती है बस, तो आप बताएं आपके पास कपड़े बहुत हैं या नहीं है? तकरीबन जब से गर्मियां आई है ना, अम्मी जान रोज जो है वो जब दुकान से आती हैं, नहाती हैं और ड्रेस चेंज कर देती होती हैं। बाकी ये है, अम्मी जान ना ज्यादातर इस कलर के और एक कलर और है वो ज्यादा पहनती होती हैं। वो जब सूट हो ना एक कलर का या थोड़ा सा मतलब डिजाइनिंग में फर्क हो, वो सेम लगता होता है कि शायद ना इसने वही पहना हुआ है। हाँ, इस तरह से लगता है। तो अम्मी जान आप क्लियर कर दें, आपके पास कपड़े बहुत है ना? कपड़े बहुत है। हाँ जी, अभी ईद पे माशाल्लाह आपने दो सूट लिए अभी ईद पे। हाँ जी, हाँ अभी सिलाई हो रहा है एक न्यू सूट, सही हो गया जी। सबा आपने सालन देखा है ना? सालन देख लो जितना हमने बनाया है माशाल्लाह इतने मेहमानों के लिए। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, वो कहते हैं ना अल्लाह पाक जो है वो पुराई करने वाला है सबकी, तो देखना ये वाला सालन भी हमें इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। मुश्किल लगता है मुझे ये देखे, ये मैं खा जाऊंगा इतना सारा, तो मैं खाता हूँ। यार आप तो अपने हैं, जो बाहर के मेहमान आए हुए हैं ना, पहले उसको खाने, पहले उनको खाने देना। हम तो कोई नहीं, हम तो बाहर से भी खाएंगे। मैंने तो अचार रखा है ना आपका, वो खा। नहीं यार वो ना खाना, मैंने भी खाया, बीमार हो गया। मैं बड़ा बीमार हो गया था, आपको तो पता नहीं है। अचार में तेल डाला था और बहुत तेल है, अब तो ऊपर तेल। अचार जाके देखो कितना बचा हुआ, खा गए? हाँ जी, ये अचार जो डाला था ना सर्दियों में इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसमें से तकरीबन खाया होगा था, एक पाव निकाला है बस। हमने तकरीबन 2 किलो खा लिया। हाँ जी, तो चलें जी अभी जो है हम रोटी बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सबा ने आटा गूंद लिया है, तो अभी इंशाल्लाह जी होता है हमारा रोटी पकाने का सिस्टम शुरू। अभी मैं तवा नहीं लूंगा। तवा कोई मुकाला करने के लिए तो नहीं ले गया? पता है क्या होते हैं अक्सर, अच्छा गांव में इस तरह से होता है, जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं मुकाला करने में भागते होते हैं, तवा ढूंढते हैं। तवा ढूंढते कि मैं इसका भी मुकाला कर दूंगा, गड्ढा ढूंढते हैं उस पर बिठा के तवा लगा देते हैं। हां जी, आपको तो सारा पता है ना, ये ना हम हरकते बचपन में किया करते होते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, एक दूसरे को मुकाला करते थे। आज फिर घर में जो हमारी इज्जत हो रही है सबको पता है। ठीक है सबा, रोटी बनावा। अच्छा पिला देता हूँ, अब भी ठंडा पानी लेके आता हूँ। माशाल्लाह आज जो है ना अपनी बहन, अपनी अम्मी, अपने अब्बू, अपने बहनोई, अपने भाइयों के लिए न्यू निकाल लिए हैं। नहीं, आप ये गलत सोच रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। जी बताएं। एक मिनट, ये ना जो मेरी फूफी है ना, जिसके घर ना मैं एक बार गई हूँ सिर्फ। ठीक है। हर बार मतलब तैयारी करती हूँ लेकिन नहीं जा पाती, तो उसने ना मेरे लिए गिफ्ट मतलब बना के रखे हुए थे, लेकिन अच्छा। मैं गई नहीं ना, तो फिर जो है ना वो उसने फूफी ने ना सिस्टर के हाथ दिलवा दिया। माशाल्लाह जी, ये जी डिजाइन, ये बिल्कुल ना ये हाथ से बनाते होते हैं, तो माशाल्लाह कितनी प्यारी जो है ये छाबियां बना के भेजी। उन्होंने कहा ऐसा तो गिफ्ट करना, आप खुद तो नहीं आती, लेकिन ये मेरे ना गिफ्ट भिजवा दिया। चले ये ले ठंडा पानी आपके लिए, और बैठ कर बिस्मिल्लाह पढ़ के पिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, और इधर लाला दी जोड़ी बैठी है जी, माशाल्लाह आपस में मुजाकरात चल रहे हैं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक करम करेगा, दोनों ने परेशान नहीं होना। नहीं, हाँ अच्छा फैसला आएगा। चलें जी आ जाएं, क्योंकि छबियां अभी हमारे पास कम होंगी ना, तो इसलिए ये वाली इस्तेमाल करोगी। गुड हो गया। ये क्या, ये हमारा वो है आयल है। आयल
ये घी है जो आप पीना चाह रही सब्बा, मैंने कहा ना कोई भूल जाएगा, वो घी पीना चाह रही है, गिलास में डालने वाली थी अभी। नहीं पानी है इसमें। वो घी वाली बोतल फिर मैंने छुपा के रखी हुई है। ओ अच्छा, मैं डर गया, मैंने कहा शायद वही ऑयल पी रही है ये। नहीं मैं पानी पी रही हूँ अभी। अभी ना पिछले दिन मुसर्रत सिस्टर ना वो ऑयल पी रही थी, गिलास में ऐसे डाला फिर ऐसे जब मुंह पे लगा, मैं कहा ओ ऑयल ऑयल, कहती मैंने समझा ड्यू है। अच्छा, उसका कलर बिल्कुल ड्यू बोतल की तरह। ड्यू नहीं पिया था। हाँ जी, वाह जी वाह, इतनी गोल गोल बेहतरीन रोटी अम्मी के लिए जो पका रही हो। नहीं सब के लिए, तो अम्मी के लिए नहीं सब के लिए। मेरे लिए तो वो जहाज बना देती थी। जहाज बना के खिलाना, रोटी में खिलाना। जब वो न्यू सीख रहे होते ना इस तरह से जहाज बनाते हुए रोटी का ना, इस तरह ऐसे बना देना इस तरह। तो अब माशाल्लाह ये सीख गई है, मैंने इतनी सिखाया इसको, इतनी समझाया, माशाल्लाह अब सीख गई है। हाँ जी, सब्जियाँ खाने शाने अब खाने टेस्टी बनाती है। इसे पूछो मैं कितने इसको तरीके बताता हूँ। हाँ जी, एक दिन मैंने जूस में काली मिर्चें डलवाई, इसने मेरा कहना मान के ना जूस में मिर्चें डाल दी, हाँ मैंगो वाले जूस में, आम वाले जूस में। फिर हमने सारा जूस गिरा दिया, पीने के लायक ही नहीं था सारी मिर्च, बस एक पाव डाला था हमने। वो यार मुझे अहमद ने बताया था, वो नहीं अहमद मेरी तरह, उसने मुझे बताया। चले जी, माशाल्लाह पहली रोटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पक चुकी है, अब दूसरी रोटी तवे पे है, ये भी पक, अब रोटी बेहतरीन जल्दी पक जाएगी इंशाल्लाह। बंदे जो ज्यादा है, पहले दो रोटी पकाती थी टाइम नहीं लगता था, अब कहते टाइम लगता है। उसकी वजह है हवा चल रही है, देखो कितनी आग इधर उधर। इसकी आग ना सोते और इसमें वो दम नहीं है। नहीं नहीं हवा लग रही है ना, देखें आप अंदर बना के देखें, खुद भी पसीना पसीना हो जाएंगे, रोटी भी मिंट लगेगा, क्योंकि उसको तपेश गर्मी मिलेगी तभी ना, हवा से वो ठंडा रहता है। अच्छा वो घंटी बाज रही है, मैं देख के आता हूँ। कोई ना, बाहर आया है, घंटी बाज रही है, चलें जी देखते हैं कौन है। ओ नंबरदार आया। धुंधले धुंधले से हो गए थे, कैसे हो? तबीयत से ठीक है? वेलकम टू बलोच हाउस, आ जाएं जी। आज हमारे साथ बहुत बड़ा जो है वो मसला बन चुका है, सारे मेहमान घर में हैं, लेकिन ऐसा मसला हमारे साथ जिंदगी में पहली बार जो है वो बना है। तो सबा ये वाला मसला बस अभी अल्लाह पर छोड़ते हैं, अल्लाह पाक ही सब कुछ करने वाली ज़ात है, तो इंशाल्लाह ताला हमारा सालन जो है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि सालन हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने मौलवी साहब को भी रिक्वेस्ट की। ऐसे बात करने वाले है ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, हमारा सालन जो है वो पूरा हो जाएगा। तो बाकी चिकन वाला सालन भी हमारा बहुत रखा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो बस असल में ये हुआ, मैं लेने गया था 3 से 4 किलो, और माशाल्लाह मेरे साथ मौलवी साहब थे, तो मैंने क्या किया, उसका पूरा शॉप पर उठा के तराजू में रख दिया, मैंने कहा तोलो, वो 2 किलो हुई, 2 किलो से भी थोड़ी सी कम हुई, उसके पास थी नहीं, और थी भी लेकिन वो कितनी गली हुई खराब थी, ज्यादा वो परूथी थी और उसका रेट भी कम था, तो मैंने वो फिर नहीं ली, मैंने कहा ये दूसरी भी खराब करेगी फिर ये, तो इस वजह से ना अब अल्हम्दुलिल्लाह खाएंगे, सुबह आपको बताएंगे कि हमारा सालन पूरा हो गया था या नहीं हो गया था। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पाकिस्तान पाक फौज सब बहन भाई, बाय बाय जी।